हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीएमआई कोचिंग। आज हम एक फिगर काउंटिंग का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम रीजनिंग का एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की काउंटिंग कैसे करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली टॉपिक है ट्रायंगल। ट्रायंगल के बेसिक मीनिंग समझेंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है और ट्रायंगल को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं इसमें काउंट करके। तो उसमें 3 से 4 पैटर्न बनते हैं। इन 3 से 4 पैटर्न में लगभग ट्रायंगल की सारी कैटेगरी खत्म हो जाती है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1। जैसे मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसमें कितने ट्रायंगल हैं? ये तो सिंपल एक ही ट्रायंगल है। अब कितने ट्रायंगल हैं? तो 1, 2 और एक पूरा बड़ा वाला 3। यानी इस जो फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? 3। 3 हम काउंट भी कर सकते हैं, 1 दैट इज 2 और ये बड़ा वाला पूरा है वो कितना हो गया? 3। अब मान लो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने बड़ा ले लिया, सो काउंट कैसे करना है? अब इसमें ऐसे काउंटिंग करके थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें हमने काउंटिंग की 1, 2 और एक पूरा बड़ा 3। अब ये बेसिक फिगर है, आपको याद रखना है किस टाइप का शेप हमेशा कितने ट्रायंगल देगा? 3। इसमें काउंटिंग कैसे करेंगे? सिंपल नंबरिंग करनी है, 1, 2, 3, 4, 5। नंबरिंग करने के बाद क्या करना है? इस पूरी नंबरिंग को जोड़ देना है। जैसे हमने यहाँ पर 3 कैसे लिए, अगर हम काउंटिंग ना करें तो 1 + 2 टोटल कितना आ गया? 3। इसमें भी सिंपल नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कर दी देन इसको ऐड अप करो, ये सब ऐड करके कितना आ गया? 15। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 15। अब जैसे जैसे फिगर बड़ा होता जाएगा काउंटिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती जाएगी, क्योंकि इसमें 15 गिन के 1, 2, 3, 4, 5 तो ही हो गया, एक पूरा बड़ा 6 हो गया, फिर इन दोनों को मिला के 1, 7, इन दोनों को मिला के इस टाइप से अगर हम काउंट करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बेसिक पैटर्न समझो, इसके अकॉर्डिंग काम करो। सिंपल सा है, सबकी नंबरिंग करनी है और उनको आपस में जोड़ देना है। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? केवल ट्रायंगल सीख रहे हैं, ट्रायंगल काउंट करना है इस क्लास में। तो इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, अभी हमने 5 के लिए लिखा था, 15 ट्रायंगल यहाँ से मिले और ऐसे ही नीचे वाला पार्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 15 ट्रायंगल ये देगा तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? 15, 15, 30। तो यहाँ से टोटल नंबर ट्रायंगल आ गए इसमें 30। ये हमारा पहला पैटर्न बन गया। मान लो ऐसे लिखा है, टोटल इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने कितने होंगे? सिंपल तरीका, काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 6, इन सबको ऐड अप कर देंगे 1 + 2, ये ऐड करके कितना आ गया? 21। यहाँ तक 15 हो गया था, 5 तक 15 + 6, 21। तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक, ये पहला पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न क्या होता है? इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंजेस कर देता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसी में मैं चेंजेस कर रहा हूँ कि मैंने एक लाइन बना दी यहाँ पे। अब इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे? तो तरीका वही है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से 15 हमने कैलकुलेट कर लिए, ये प्रीवियस क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। तो अब ये लाइन का क्या चेक करें, ये लाइन बन गई तो ऐसी नंबरिंग हम यहाँ पे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो आप बेसिक ये समझो, अगर ट्रायंगल को कोई लाइन डिवाइड कर रही है तो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे मान लो ये फिगर में 15 तो रह गई, इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन है? सीधी लाइन है, 1, 2 स्ट्रेट लाइन है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब फाइनल आंसर कितना आ गया? 30। क्योंकि जैसे काम नीचे हुआ है वैसे ही काम ऊपर होगा, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा 30। मान लो ये सवाल है, अभी हमने 21 तो काउंट कर लिए, 15 + 6, 21, इसमें 1, 2, 3 लाइन आ गई, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। जितनी स्ट्रेट लाइन है, बेस वाली लाइन भी लेनी है, 1, 2 और ये 3। अब जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा 63। ये पहला पार्ट हो गया। बस हमें ये छोटा सा लॉजिक याद रखना है कि ये जो ट्रायंगल है बेस वाला, ये कितने देगा? बेसिक फिगर है, ये देगा 3। 3 कैसे देगा? 1, 2 और एक पूरा बड़ा 3। दूसरा पैटर्न, बॉक्स के अंदर हमें या रेक्टेंगल स्क्वायर के अंदर हमें ट्रायंगल काउंट करना है। पहला जो पैटर्न था वो पैटर्न था ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल काउंट करना, दूसरा ये, इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे?
तो कुछ नहीं करना, सिंपल नंबरिंग करनी है इसकी, 1, 2, 3, 4, मैक्सिमम नंबर उसका डबल कर देना है, तो 4 into 2 कितना होगा, 8। दूसरा मान लो ऐसे लिखा है, बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 का डबल कितना हो गया, 12। मान लो ऐसे लिखा है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने, सिंपल सा काउंटिंग करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 का डबल कितना हो गया, 16, जो मैक्सिमम नंबर है उसका डबल करते जाना है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है, इस पे और क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैंने जब रीजनिंग का पहला लेक्चर पढ़ाया था आपको, तब मैंने बताया था कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, एक बार जो चीज़ काउंट कर ली उसको दोबारा काउंट नहीं करना, तो ये अंडरस्टूड है, यहाँ पर भी काम करेगा। मान लो सवाल ऐसा दिया है, इसमें हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने हैं कितने होंगे, पहला क्वेश्चन कितने होंगे, तो सिंपल सा है, ये जो फिगर बनाए ये दो चीज़ों से मिलके बना, ये वाला बॉक्स अलग है और ये वाला बॉक्स अलग है, दोनों को मिला देंगे तो पूरा डायग्राम बन जाएगा। तो हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके चीज़ों को सॉल्व करेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 का डबल कितना, 8, मतलब 8 त्रिभुज तो ये देगा, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 8 ये देगा, तो टोटल कितने हो गए, 8 + 16 ट्रायंगल तो हमारे ये मिल गए। अब देखना है इन दोनों पार्ट को अटैच करने पर कोई नया फिगर मिल रहा है, कोई नया ट्रायंगल मिल रहा है जो अभी तक काउंट नहीं हुआ है, तो उसको काउंट करने के लिए सिंपल सा है, जब इन दोनों को काउंट करेंगे तो ये वाला ट्रायंगल अभी तक हमने काउंट नहीं किया, और एक ये वाला मिल रहा है इसका अपोजिट, ये पेयर में मिलेंगे हमेशा, अगर हमने एक फाइंड कर लिया तो दूसरा फाइंड करना ईजी हो जाता है, तो दो नए ट्रायंगल और बनेंगे, एक तो ये वाला, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने होने चाहिए, 18। अगर मान लो आप एग्ज़ाम में इतना नहीं सोच पा रहे तो आप बेसिक एक जानकारी समझो, इसमें 8 हो गए, इसमें 8 हो गए, टोटल 16, यहाँ तक तो हमारे इजीली हमने फाइंड कर लिया, जब इन दोनों फिगर को हमने मिलाया तो ये दोनों इस पॉइंट पे अटैच हो रहे हैं, एक तो पॉइंट अटैचमेंट ये मिल रहा है, एक अटैचमेंट पॉइंट ये मिल रहा है। अब जितने पॉइंट मिलेंगे उतने नए ट्रायंगल बनेंगे, तो इसमें दो नए पॉइंट मिल रहे हैं मतलब दो नए ट्रायंगल मिलेंगे, तो 16 + 2 कितना हो गया, 18। मान लो हमारा फिगर ऐसा है, नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने हैं इसमें कितने होंगे, तो हमने 1, 2, 3, 4, 4 का डबल 8, 8 ये देगा, 8 ये देगा। सबसे पहले जो भी डायग्राम है उसको तोड़ के अकेले के लिए सिंगल फिगर में, इंडिविजुअल फिगर में काउंट करना है, कितना आएगा, 8, 8, 8, 16, 24, तो ये हो गया। जब ये दोनों अटैच होंगे तो दो पॉइंट ये मिलेंगे, यानी दो नए ट्रायंगल और बनेंगे, जब इन दोनों फिगर को अटैच करेंगे दो नए ट्रायंगल ये मिलेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे कितने, 28। अगला क्वेश्चन, सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए मैंने, ये सारे प्रीवियस ईयर के कोई ना कोई बुक में आपको इजीली मिल जाएंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने होंगे, तो बेसिक सी जानकारी समझते हैं पहले, ये इसको रीअसेंबल करते हैं कि इसमें ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, जब इसको ओपन करेंगे तो ये सब पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, यानी ये जो फिगर है किस किस से मिलके बना है, एक तो बॉक्स है, तो बॉक्स में पहले काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 का डबल कितना हो गया, 12, 12 तो आ गई ये बॉक्स में से, एक ये हो गया 13, एक यहाँ से मिलेगा, ये फिगर अभी हमने देखो बेसिक फिगर में, 1, 2, 3, तो ये आ गए नंबर ऑफ ट्रायंगल टोटल जो हमें सीधे सीधे दिख रहे हैं, तो 12 + 3 = 15, 1 = 16, 1 = 17, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, 17। इसके बाद हम इनको सबको अटैच करते हैं, अटैच करने पे कोई नया फिगर बन रहा है, तो इन सबको अटैच करने पे कोई भी नया फिगर नहीं बन रहा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 17। अगला क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया है,
नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? तो सिंपल सा 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल कितना हो गया 12, 12 ट्रायंगल तो ये मिलेंगे और ये आकृति कितने देगी 3, तो 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखो, इन जब इन दोनों को अटैच करेंगे तो कोई एक नया ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, तो बिल्कुल बन रहा है। इससे पहले वाले सवाल में ये लाइन नहीं थी, आपने नोटिस किया हो यहाँ पे, इसमें ये लाइन क्या कर रही है, इन दोनों फिगर को अटैच कर रही है, तो एक ट्रायंगल ये मिलेगा ये वाला और एक ऐसे ही इधर मिलेगा, मतलब दो नए ट्रायंगल और मिलेंगे, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 70। उसके बाद मान लो एक ये स्टार वाले भी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे ये बताना है। एक ये क्वेश्चन है, एक जी का सिमिलर क्वेश्चन आता है, इस स्टार में और इस स्टार में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे काउंट करना है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी स्टार है ये भी स्टार है, बस ये सिंपल स्टार है, ये थोड़ा सा टिल्ड करके रखा हुआ है, तो उसमें सिंपल काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये छोटे मिल रहे हैं, प्लस एक ये वाला मिल रहा है और एक ये वाला मिल रहा है, तो दो नए और मिलेंगे, तो कितने हो गए 8। ये तो बिल्कुल सिंपल है। आप देखो जब इन दोनों को अटैच करेंगे, कोई नया फिगर बन रहा है नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है ये वाला बन रहा है, बट इनको हमने पहले ही काउंट कर लिया, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने हो गए 8। अब ऐसे ही इसमें काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5, 5 ट्रायंगल तो ये हो गए। अब 5 ट्रायंगल की बात, कोई और एक्स्ट्रा हिडन ट्रायंगल बन रहा है, तो एक ट्रायंगल देखो ये बन रहा है 6, ऐसे ही एक ट्रायंगल इसके पीछे वाली लेयर पर बन रहा है, इसमें आप काउंट कर याद रख लो कितना हो रहा है 10। इसका 5 का डबल ऐसे 10 नहीं करना, इसको आप जो टिल्ड स्टार है उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं 10, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ 10 होते कैसे हैं। ये 5 तो सीधे सीधे हो गए, अब मैं एक लाइन ये वाली कंसीडर कर रहा हूँ, इस लाइन पर कितना ट्रायंगल मिल रहा है 1, और इस डायग्राम को बनाने में कितनी लाइनें बन रही हैं, तो चेक करो 1 2 3 4 5 लाइनें इस ट्रायंगल को बनाने में यूज़ हो रही हैं, और हर एक लाइन पे एक ट्रायंगल बन रहा है, मतलब 5 नए ट्रायंगल और बनेंगे, तो ये 10 ऐसे आए, 5 तो ये हमने सीधे सीधे काउंट करे, और इस फिगर को बनाने में 5 लाइन यूज हो रही हैं, हर एक लाइन पे एक ट्रायंगल, मतलब टोटल कितने होने चाहिए 10, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। अगला जो मान लो हमारे पास ऐसा डायग्राम, नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने कितने होंगे, तो सिंपल 1 2 3 4, 4 का डबल 8 तो ये देगा 9 10 11, 3 नए बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए 11। तो ये बेसिकली ट्रायंगल काउंट करने का पार्ट था, एक नया पार्ट, एक पार्ट और बनाएंगे इस पर, जिसमें क्या होगा ट्रायंगल रेक्टेंगल सभी कैटेगरी इसको मिक्सअप करके पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले रेक्टेंगल पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, फिर ट्रायंगल पढ़ा, तो सारी कैटेगरी हमने इंडिविजुअल पढ़ी है। कई बार एग्जाम में इसमें भी हमने थोड़ा सा एक बॉक्स ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया, इन सबको मैश करके एक नई कैटेगरी बना दी। आजकल एग्जाम में क्या होता है, एक सारी कैटेगरी को कंबाइंड करके क्वेश्चन बनाया जाता है, तो हम अगले लेक्चर में इन सबके बेसिक पैटर्न तो हमने समझ लिए, नेक्स्ट लेक्चर में इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।